हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की। आयु संबंधित प्रश्नों को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के, तरीका क्या है दोस्तों विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व करने का, वो तरीका हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, तब गीता की वर्तमान आयु क्या होगी। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों पूछा गया है गीता की वर्तमान आयु क्या होगी। हमने बोला है विदाउट पेन और पेपर के आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे माइंड से ही। तो आपसे पूछा गया दोस्तों गीता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा, गीता का ही आपको जो अनुपात दे रखा है वो ले लीजिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, समझाने के लिए लेता हूँ। यहाँ दिया गया है सीता, तो एस फॉर सीता ले लिया दोस्तों, और गीता के लिए जी ले लिया मैंने। तो एस का जो सीता का अनुपात कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे, लिख लिया। सीता के सामने सीता का अनुपात और गीता के सामने गीता का अनुपात, मतलब 4 लिख लिया। तो हमने बोला है आपसे जो पूछा गया है गीता का अनुपात पूछा गया है, तो आप गीता का ही अनुपात ले लीजिए, माइंड में ही ले लीजिए। 4 ले लिया, तो आपको क्या करना है, 4 से जो आंसर दिए गए हैं उसे डिवाइड करना है। जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा 50%। पूरा यकीन नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, 50%, बाकी का 50% ये वाला अनुपात क्लियर करेगा, 50% ये वाला अनुपात और 50% ये वाला अनुपात क्लियर कर देगा आंसर को। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 27 और गीता का अनुपात कितना है हमारा 4, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 27 को तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। कितना आंसर है, 50%, ठीक है दोस्तों। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसकी मैं बात करूं नन की, मतलब इनमें से कोई नहीं, हिंदी में बोले तो इनमें से कोई नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कोई संख्या नहीं दी गई है। अब बात है दोस्तों, ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है और ये वाला भी आंसर नहीं है, ये वाला हमारा आंसर है। जब 4 ऑप्शन में से एक ही आपका आंसर निकल के आता है पहले अनुपात से, तो उसी को आप आंसर कर दीजिए, दूसरे अनुपात को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके 2 ऑप्शन होते ऐसे जो 4 से डिवाइड हो रहे होते पूरे, तब आपको इस दूसरे अनुपात की ज़रूरत होती। हम दूसरे अनुपात से भी करके देख लेते हैं दोस्तों। आपका अनुपात दे रखा है 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद दे रखा है आपका अनुपात। गीता का यहाँ ले लेते हैं, सीता का कितना दे रखा है 11 और गीता का कितना दे रखा है आपको 9, ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ये दिया गया है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 3 वर्ष ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा और यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 3 3 वर्ष तीनों में ऐड कर दिया, क्योंकि 3 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है, 3 वर्ष बाद का, तो 3 3 वर्ष सब में ऐड कर दिया, तो 3 वर्ष बाद का अनुपात कितना है हमारी गीता का, 9 है। तो वही करेंगे दोस्तों, 9 से जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो 9 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं। 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। 38 को चेक करेंगे तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। दोस्तों दूसरे अनुपात की ज़रूरत हमें जब पड़ती है, जब 2 आंसर ऐसे निकल के आएँ जो पहले वाले अनुपात से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हों, 2 या फिर 3। लेकिन अगर पहला ही हमारा निकल के आ गया, सिर्फ एक ही हमारा आंसर ऐसा निकल के आया जो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो दूसरे अनुपात की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पर टिक कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पी की वर्तमान आयु पूछिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू, ये लिख लिया दोस्तों। पी का अनुपात कितना दे रखा है 5, तो 5 लिख लेते हैं। क्यू का कितना दे रखा है 6, तो 6 लिख लिया। आपसे पूछा गया है पी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पी का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 5, तो 5 से हम जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें डिवाइड करके देखेंगे, जो पूरा पूरा चला जाएगा वो हमारा आंसर होगा 50%, बाकी का 50% दूसरे अनुपात से चेक करेंगे। तो 5 से दोस्तों 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ये हमारा एक आंसर है, लेकिन कितना 50%। 42 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 35 है, 35 में चला जाएगा दोस्तों 7 बारी, तो ये भी हमारा आंसर है, और ये हमारा नन दिया गया है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो इसमें निकल के आए हैं दोस्तों 2, पहले वाले में क्वेश्चन में 1 निकल के आया था वही हमारा आंसर था, इसमें निकल के आए हैं 2, तो इसमें हमें दूसरे अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरे अनुपात के लिए क्या करेंगे, हमारा 1 आंसर और 2 आंसर,
पूछा गया है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 7 को ऐड कर देंगे और इसमें भी 7 को ऐड कर देंगे, तो इसमें 7 को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 47, और इसमें 7 को ऐड, इसे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसमें 7 को ऐड कर लें 49, और इसको भी 7 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 42, 7 7 हमने सब में ऐड कर दिया। और हमारा अनुपात कितना दे रखा है 7 वर्ष बाद का, पी का दे रखा है दोस्तों 6 और क्यू का दे रखा है हमारा 7, ये हमारा अनुपात दे रखा है। तो पूछा गया है पी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, पी की वर्तमान क्या आयु होगी, तो पी का अनुपात कितना दे रखा है 6। अब देखिए 6 से 47 को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, 49 को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, 42 को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा चले जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 7 बारी करेंगे 6 7 42 होता है, तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों 50% आंसर मानिए आपको, हमारा पहला ये भी निकल के आया था लेकिन ये हमारा 50% था, अब ये हमारा पूरा 100% श्योर हो गया कि यही हमारा आंसर है 35। तो दोस्तों ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, ट्रिक है क्या, जो आपको अनुपात दिया गया है उसी से आप डिवाइड कर लीजिए आंसर को और आपका आंसर आ जाएगा। एक ही निकल के आता है तो दूसरे अनुपात को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 या 3 निकल के आ रहे हैं डिवाइड करने से पूरे पूरे, तो दूसरे अनुपात से आप चेक कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 था एवं 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो अनुपात दिया गया है 4 वर्ष बाद का दिया गया है और 6 वर्ष पहले का दिया गया है, तो इसको भी उसी ट्रिक से करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, यहाँ दिया गया है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का दिया गया है दोस्तों, हम सब आंसर में से 6 माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 6 जाएगा तो 13 बचेगा, इसमें से भी 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, इसमें से भी 6 माइनस का कर देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है इसलिए हमने आंसर में से सब में से 6 माइनस कर दिया। अब दोस्तों चेक करेंगे ए का अनुपात कितना है और बी का अनुपात कितना है, ए का दिया गया है 6 और बी का दिया गया है 5। ठीक है, पूछा क्या गया है बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप लीजिए बी का अनुपात, तो बी के अनुपात से आप डिवाइड कीजिए आंसर को, तो 13 को डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं, 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 बार ही चला जाएगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से इसका मतलब तो अलग है दोस्तों, इसका मतलब है कोई नहीं, तो हमारा ये निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब इन 3 ऑप्शन में से एक ही निकल के आया तो हम इसी पर टिक मार देंगे, यदि 2 निकल के आते तो हम दूसरे अनुपात को चेक करते, लेकिन हम आपको दूसरा अनुपात चेक करके बता दे रहे हैं, तो चलिए दूसरा अनुपात चेक करके देख लेते हैं। ये दिया गया है 4 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 वर्ष ऐड कर देंगे, 19 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 18, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 20, ये हो जाएगा 20 वर्ष, ये 18 वर्ष और ये 23 वर्ष, तो हमारा अनुपात कितना दे रखा है ए का बी का, ए का दिया गया है 4 वर्ष बाद का 11 और बी का दिया गया है 10। ठीक है, पूछा गया है बी की वर्तमान आयु, तो बी से ही हम डिवाइड करके देखेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे 10 से नहीं जाएगा तो ये हमारा आंसर नहीं, 18 को करेंगे 18 भी नहीं जाएगा, 20 को करेंगे तो 2 बार ही चला जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी हमारा आंसर होगा, मतलब 16 वर्ष। तो दोस्तों हमने पहले अनुपात से चेक किया था तब भी यही निकल के आया था, तीनों में से एक ही आया था तो उसी पर टिक लगा देंगे, 2 या 3 निकल के आ रहे हैं तो आप दूसरे अनुपात से चेक कर सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप माइंडली ही कर सकते हैं विदाउट कॉपी और पेन के, आपको क्या करना होगा जो अनुपात दिया गया है सिर्फ उससे डिवाइड करके देख लीजिए, आप माइंड में भी डिवाइड कर सकते हैं, कॉपी और पेन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिवाइड करने के लिए, आप माइंड से ही कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग और जीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।